पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े ने कहा है कि नागपुर की तर्ज पर अन्य जिलों में होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में संयुक्त रिपब्लिकन अघाड़ी का गठन करने का प्रयोग किया जाएगा। नागपुर के बाद अमरावती और अकोला में इस संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर बैठकें हों। कवाड़े यहां पत्र परिषद में बोल रहे थे। इससे पहले रवि भवन में पीरीपा के विदर्भ के पदाधिकारियों की बैठक हुई। राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जयदीप कवाड़े की मौजूदगी में प्रोफेसर कवाड़े ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी के विभिन्न गुटों ने एकत्र होकर नागपुर में संयुक्त रिपब्लिकन अघाड़ी की स्थापना की है। यह अघाड़ी मनपा चुनाव अपने दम पर लड़ने वाली है। इस अघाड़ी को जनता से प्रतिसाद मिल रहा है। फिलहाल 75 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बहरहाल इस संख्या के और बढ़ने की संभावना है। उन्होंने इस दौरान सवाल किया कि नागपुर में दो दो मंत्री होने पर भी अमरजरी के अंबेडकर सभागृह को गिराने का फैसला कैसे होता है। मंत्रियों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि इस भवन का पुनः निर्माण कैसे होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राकंपा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में तो हमें याद रखते हैं, लेकिन स्थानीय निकाय के चुनाव में वे छोटे दलों की उपेक्षा करते हैं। भारतीय जनता पक्षाला मानणारी जी काही मंडळी आहेत ती महागाईचं समर्थन करतात, पण सर्व संपूर्ण देशातील जनता जी परेशान आहे त्याबद्दल कोणी बोलायला तयार नाही आहे। आता स्वयंपाकाचा गॅस जो असतो, कुकिंग गॅस, 50 रुपयांनी वाढला तो। आमच्या पक्षाने ही भूमिका घेतलेली आहे की 1 एप्रिल नंतर जिल्हा कचेरीवर आमच्या पक्षाच्या वतीनं महागाईच्या विरोधामध्ये पेट्रोल आहे, डिझेल आहे, कुकिंग गॅस आहे, हे जे वाढती जे महागाई आहे त्या संदर्भात आंदोलन करण्याचा निर्णय 6 एप्रिलपासून संपूर्ण राज्यभर कलेक्टर कचेरीवर धरणे निदर्शनाचा कार्यक्रम महागाईच्या विरोधामध्ये आमच्या पक्षाने घेतलेला आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोळ के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।